एसपीजी सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू किया केंद्र सरकार ने, और गांधी परिवार विदेश दौरे के साथ भी उनके एसपीजी सुरक्षा मौजूद होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि अगर गांधी परिवार देश से बाहर भी जाता है तो भी एसपीजी सुरक्षा उनके साथ होगी। केंद्र सरकार का ये एक बड़ा फैसला है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण, अब गांधी परिवार विदेश भी जाएगा, एसपीजी सुरक्षा उनके साथ होगी, लेकिन गांधी परिवार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, पार्टी के लोगों का ये कहना है कि पहले भी ऐसा होता था कि जब वो विदेश जाते थे तो वो इसलिए नहीं लेके जाते थे एसपीजी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कभी वो बस में ट्रेवल करते हैं, कभी मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं, और ये जो एसपीजी के पर्सनल उनके साथ होते हैं, आर्म्स उनके पास नहीं होते हैं, और इसलिए जरूरत उनको नहीं महसूस होती, क्योंकि ये सरकार का जो खर्च है वो बढ़ाता है, यानी सार्वजनिक जो खर्च सरकारी मद है उस पर बोझ डालता है, और इसलिए जब वो प्राइवेटली कहीं विजिट करते थे गांधी परिवार के लोग तो वो एसपीजी नहीं ले जाते थे, लेकिन अब सरकार के नए नियम के मुताबिक उनको लेके जाना पड़ेगा। और इसके पहले अगर आपने देखा हो तो लोकसभा में उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था और कहा था कि राहुल गांधी कई बार, खासतौर से राहुल गांधी का नाम लिया था, जब एसपीजी का कानून, एसपीजी का नियम नहीं मानते हैं, वो एसपीजी छोड़ के चले जाते हैं, इससे उनकी सुरक्षा को खतरा होता है, और ये बात एसपीजी ने कई बार बताई है गृह मंत्रालय को। तो एसपीजी सुरक्षा को लेकर तमाम कई बार भी सवाल उठते थे, और अब एक नया उसमें एंगल जरूर जुड़ गया है। लेकिन अब ऐसे में ऑफिशियली कांग्रेस का क्या पक्ष होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि अब सरकार ने नई बात सामने ला दी है गांधी परिवार के लिए, एसपीजी सुरक्षा विदेश में भी उनके साथ होगी। देखिए, कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार जो कुछ भी करेगी, सरकार जो कुछ भी चाहेगी, उसमें वो ज्यादा दखलअंदाजी नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपनी राय बता रहे हैं कि वो विदेश जब जाते हैं प्राइवेट ट्रिप पर, उनकी प्राइवेसी का भी सवाल होता है, और तमाम जैसी की बातें मैंने बताई कि मेट्रो में, बसों में, बहुत ऐसी जगह होती है जहां लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होती है, जहां उनके साथ वो नहीं चल पाते, और साथ ही साथ सरकारी खजाने पर और ज्यादा बोझ बढ़ता है। इन सब बातों को लेकर पहले वो नहीं लेके जाते थे। उनका ये कहना है कि सरकार ने अगर कोई बदलाव किया है, कम्युनिकेशन उनके पास आएगा तो उसको विस्तृत रूप से पढ़ करके जरूर जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि वो इसलिए नहीं ले जाते थे विदेश में क्योंकि उनकी प्राइवेसी और उनकी सुरक्षा सहित तमाम मसलों को लेकर के उनके कई इश्यूज थे, जो एसपीजी के साथ रहने से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने पर बोझ भी बढ़ता था। शुक्रिया। बढ़ रहे आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फ्रांस के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह वहां रफाल शस्त्र की पूजा करेंगे और उसके बाद फ्रांस से हुई डील के तहत पहला रफाल विमान लाएंगे। तो आज दो दिन के लिए फ्रांस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दो दिन का उनका दौरा होने वाला है। राजनाथ सिंह वहां रफाल शस्त्र की पूजा करेंगे और उसके बाद फ्रांस से हुई जो डील है रफाल के तहत, जिसमें विमान रफाल भारत आने हैं, उसका पहला रफाल विमान भारत आएगा। भारत को अपना पहला रफाल लड़ाकू विमान मिलने वाला है, जिसको लेने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पेरिस के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दशहरे के मौके पर मिलने वाले रफाल विमान को लेने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेरिस में शस्त्र पूजन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह हर साल शस्त्र पूजा करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरेंगे। रफाल विमान के परीक्षण और ट्रेनिंग के लिए कई भारतीय वायुसेना के पायलट भी फ्रांस में मौजूद हैं, जो रफाल पर 1500 घंटे की उड़ान और उसके परीक्षण के बाद भारत में इस लड़ाकू विमान को उड़ाएंगे। अवंतीपुरा और पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश के अलर्ट के बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 18 से 20 आतंकियों के कश्मीर में होने की खबर है। इनमें कई पाकिस्तानी आतंकी हैं और इन आतंकियों को खास तौर से एयरफोर्स स्टेशन और जेल पर हमले के लिए ट्रेन किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन दौरे से पहले ही अपने घर में घिर गए। चीन दौरे को लेकर पाकिस्तान के अंदर ही उनका विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तान की योजना मंत्री मखदूम खुसरो बख्तियार से जब पाकिस्तानी पत्रकारों ने चीन को लेकर सवाल किए तो उसके जवाब में मखदूम बख्तियार ने दबी जबान में माना कि चीन जितना पाकिस्तान के लिए कर सकता था उसने किया है, इसलिए अब पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना होगा। क्या हम दोस्ती की कीमत अदा करने के लिए हर साल 18 बिलियन डॉलर कर्जा लेकर भी दे सकते हैं तो चाइना के साथ? एक तो हमने चाइना पाकिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट फेज टू किया, जिसके अंदर 313 आइटम पे प्रेफरेंशियल टैरिफ हमें मिले, ये इसी हुकूमत ने आके किया है, और जिसके तहत पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रेड
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है उसमें तब्दीली आना शुरू हो गई है। चाइना और पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तकरीबन 18 बिलियन की हैं टोटल। चाइना की मार्केट्स तो उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट करके हमारे लिए खोल दिए हैं। अब ये चैलेंज हमारी अपनी मईशत का और हमारे बिजनेसमैन पे है कि हम उससे फायदा उठा सकें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत कर लौट रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जिस विमान में सवार थे उसमें कोई खराबी नहीं आई थी। पाकिस्तान की एक मैगजीन फ्राइडे टाइम्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान के भाषण से गुस्साए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विमान को वापस बुला लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने से पहले इमरान खान सऊदी अरब गए थे और सऊदी क्राउन प्रिंस ने उन्हें मेहमान के तौर पर अपना विशेष विमान आगे की यात्रा के लिए दिया था, लेकिन इमरान खान के लौटते वक्त विमान में तकनीकी कमी बताकर विमान को वापस बुला लिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक कमर्शियल विमान से पाकिस्तान लौटे थे। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाली महिलाओं पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता लगातार जारी है और इसका वीडियो बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अशरफ बलोच ने जारी की, जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें खींच कर ले जा रही है। बलोच के नेता ने ये हालांकि वीडियो जारी किया है। आजाद बलूचिस्तान की मांग के लिए दरअसल ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना किस तरीके से बर्बरता करती है उसका सबूत इस वीडियो में दरअसल दिखा है। दुनिया भर में टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने टेरर फंडिंग पर पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्करे तैयबा और जमा उल दावा पर ठोस कार्रवाई नहीं की है, जबकि पाकिस्तान के एक बैंक को भी टेरर फंडिंग के मामले में फटकार लगाई गई। इस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया उसमें पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा और बढ़ गया है। अगर ऐसा हुआ तो आर्थिक रूप से परेशान पाकिस्तान पर कंगाल होने का खतरा और बढ़ जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई और बम भी दागे गए जो वहां खेतों में आकर गिरे, जिस वजह से गांव के जो लोग हैं उनमें दहशत फैल गई। पाकिस्तान लगातार वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है, जिसका सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रात 10-11 बजे फैर शुरू हुआ और मोटे फैरों से अंधाधुंध उन्होंने बरसात की और यहाँ जो हमारी पोस्टें हैं इंडिया की इनके ऊपर भी फैर हुआ और हमारे ऊपर भी फैर करते हैं। गाँव वाले लोग इतने डरे हैं कि यहाँ रहने का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, ना कोई मोर्चा है, ना कोई, यहाँ जिम्मेदारी का टाइम है, बाहर रहते हैं जिम्मेदारी करते हैं, बच्चे हमारे बाहर हैं, स्कूल हमारे नज़दीक हैं, मोर्चे का कोई बंदोबस्त नहीं है। गुजरात के जूनागढ़ में जोरदार बारिश के बाद एक पुल गिर गया। जिस वक्त पुल गिरा उस वक्त पुल पर गाड़ियां गुजर रही थीं और वो गाड़ियां भी पुल के साथ नदी में समा गईं। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि आसपास मौजूद लोगों ने गाड़ियों में फंसे जो लोग थे उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि भारी बारिश वहां हो रही थी, जिसके बाद नदी में बाढ़ आ गई और उसकी वजह से ये पुल गिरा। पुल गिरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क जो है वो टूट गया। दो तस्वीरें जूनागढ़ में ये पुल जो है वो किस तरीके से टूटा है आप तस्वीरों पे देखिए और वहाँ काफी लोग घायल हुए। जनक दबे भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? अर्पिता, देखिए ये हादसे में 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे, इनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि किसी के जान नहीं गई या किसी हताहत का जानकारी अभी सामने नहीं आई। ये दरअसल जो ब्रिज था वो मेंदरड़ा जो गांव है, जो शासन जो कि जंगल की ओर जाता है, वहाँ पर ये जर्जरित अवस्था में पुल था, जिसके बारे में जानकारी स्थानीय लोगों ने प्रशासन को भी लंबे समय से दी थी। बताया ये भी जा रहा है कि 2016 में यानी 3 साल पहले ही राज्य का जो मार्ग सड़क यातायात जो विभाग है उनकी ओर से, और ये दरअसल चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में विभाग के अंतर्गत आता है, ऐसे में दोनों के बीच में कोई ना कोई मसले को लेकर इसकी मरम्मत नहीं हो पाई थी। अप्रूवल का सेंक्शन लेना था, वो कहीं नहीं मिल पाता, ये जानकारी सामने है। उसके बाद ये जो पुल था उसका मरम्मत नहीं हो सका। समय पर अगर मरम्मत हुई होती अर्पिता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती, लेकिन समय पर ये मरम्मत नहीं हो सकी। और इस इलाके में दरअसल मारण का जो बांध है वहां से जब पानी छोड़ा गया जनक, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समय पर मरम्मत नहीं हो पाई, तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार था किसी पर कुछ कार्रवाई हुई अभी तक?
देखिए अभी जो मार्ग मकान के अधिकारी हैं वहां पर मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मार्ग मकान के बीच में ये मामला कहीं ना कहीं अप्रूवल के लिए अटका हुआ था और उसके बाद मरम्मत नहीं हो पाई थी। अब जो दुर्घटना हुई उसमें आप देख सकते हैं चार कार नीचे गिरी, उसमें तकरीबन 12 लोग सवार थे और समय रहते वहां के आसपास के लोग आ गए और लोगों को रेस्क्यू किया गया, नहीं तो ये हताहत का आंकड़ा बढ़ सकता था उस समय पर। लेकिन अभी भी जो सूरजगढ़, मालणका और वणियारा जैसे बहुत सारे गाँव हैं उसको जोड़ता हुआ ये ब्रिज था, अब 7 फीट जितना लंबा जो पैच था वो पूरी तरह से नीचे गिरा है। ऐसे में अब ये ब्रिज नहीं बनने से कई गांवों का संपर्क टूटा और अब जाके लोगों को काफी दिक्कतें भी होगी क्योंकि एक ही सड़क थी जिसको ये जोड़ता था। तो अब देखना ये होगा कि जांच में आगे काम सामने क्या आता है, लेकिन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन यही बात है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मार्ग मकान के बीच में ये मामला उत्सव हुआ था और मरम्मत नहीं होने के चलते ये ब्रिज आखिरकार टूट गया। शुक्रिया जनक। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू में भारी बर्फबारी हुई जहां पहाड़ियों पर बर्फ जम गई और कई लोग बर्फबारी में फंस गए। बर्फ की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। तो तस्वीरें आप जरा देखिए, हिमाचल की लाहौल स्पीति की पहाड़ियां जो है दरअसल वो बर्फ से ढक गई, भारी बर्फबारी वहां पर हुई है और जो गाड़ियां हैं वो वहीं रहने के लिए मजबूर हो गई जहां वो उस वक्त मौजूद थी, क्योंकि सड़क जहां से वो आगे जाएंगे उस सड़क पर जो है वो बर्फ जमी हुई है। हालांकि बर्फ को निकालने का काम किया जा रहा है ताकि जो सड़क है, जो मार्ग है, उस पर आगे लोग बढ़ पाए, वो काम अभी चल रहा है और जैसे ही मार्ग एक बार खुलता है तो ये गाड़ियां वहां से निकल पाएंगी, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। महानवमी पर 0 डिग्री तापमान के बीच बर्फबारी में सेना के 3 जवान गरबा करते नजर आए, जिसका वीडियो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शेयर करते हुए लिखा कि जवानों के जज्बे को सलाम, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। महानवमी का ये मौका, लेकिन वहाँ जहाँ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 0 डिग्री का तापमान है और इसी के बीच में बर्फबारी भी हो रही है और सेना के 3 जवान गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया, जहाँ सीएम ने 101 कन्याओं की पूजा की। पहले उन्होंने बच्चियों के पैर धोए, फिर तिलक लगाकर बच्चियों को माला पहनाई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे क्योंकि मौका नवमी का है, कन्या पूजन का है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे तो 101 कन्याएं वहां पर मौजूद थी जिनका पूजन किया। पहले बच्चियों के उन्होंने पैर धोए, उसके बाद फिर तिलक लगाकर बच्चियों को माला भी पहनाई। उधर मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल में महाअष्टमी के मौके पर सितारों की महफिल सजी, जिसमें काजोल अपनी मां तनुजा और बहन तनिषा मुखर्जी के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची, जबकि रानी मुखर्जी, फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी के अलावा सुमोना चक्रवर्ती भी दुर्गा पंडाल में पहुंची और दुर्गा की प्रतिमा के सामने धनुषी डांस किया। तो ये धनुषी डांस करने की तस्वीरें भी आप देखेंगे, जिस तरीके से वहां देखिए रानी मुखर्जी उस वक्त पहुंची थी, काजोल वहां पर पहुंची थी और कई बड़े सितारे दुर्गा पंडाल में पहुंचे थे। तो मुंबई में इस पंडाल में सितारों का जमावड़ा लगा, जहां पर काजोल अपनी माँ और अपनी बहन के साथ वहां पर पहुंची, उसके बाद रानी मुखर्जी, अयान मुखर्जी, सुमोना चक्रवर्ती जैसे कई बड़े नाम वहां पर पहुंचे थे दुर्गा पूजा पंडाल में। वहीं मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने पत्नी जया बच्चन के साथ दुर्गा पंडाल में देवी के दर्शन किए। फिल्म अभिनेत्री काजोल अपने बेटे युग के साथ वहां मौजूद रही, इस दौरान सभी ने देवी की पूजा अर्चना की। तो मुंबई में अमिताभ बच्चन को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ दुर्गा पंडाल में पहुंचे थे देवी के पूजन अर्चन के लिए और साथ में आपको काजोल भी नजर आ रही हैं। काजोल अपने बेटे युग के साथ वहां दर्शन करने पहुंची थी, इस दौरान सभी ने देवी की वहां पूजा अर्चना भी की।
विष्णु, नमो विष्णु, नमो। तो अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ दुर्गा पंडाल में देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। काजोल भी वहां पर मौजूद थी, अपने बेटे युग के साथ वो पहुंची थी। हालांकि काजोल की माँ और उनकी बहन भी वहां पर मौजूद थी। सबने वहां पे धनुची डांस भी किया और साथ ही साथ इस दौरान सभी ने देवी की पूजा अर्चना भी की। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता में नवरात्रि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान नुसरत ने पूजा की। नुसरत जहां ने दुर्गा पूजा में ढोल भी बजाया, तो नुसरत वहां पर अपने पति के साथ मौजूद थी। टीएमसी सांसद हैं नुसरत जहां, उन्होंने कोलकाता में नवरात्रि कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान नुसरत ने वहां पर पूजा अर्चना भी की। नुसरत जहां ने दुर्गा पूजा में ढोल भी बजाया और साथ ही साथ जो भी विधि विधान वहां पर पूजा अर्चना के लिए होते हैं उन सबको उन्होंने बखूबी किया। इससे पहले कई बार सवाल भी नुसरत जहां को लेकर उठे थे कि वो जो है साड़ी पहनकर हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करती हैं, इस तरीके के उन पर आरोप भी, लेकिन उनका कहना था कि वो स्वतंत्र हैं इस चीज़ के लिए, वो जो करना चाहें, जिस परंपरा को मानना चाहें, जिस रीति रिवाज को निभाना चाहें, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। दुर्गा पूजा के दौरान वह पहुंची थी कोलकाता में, नवरात्रि कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था, उन्होंने वहां पूजा अर्चना की, साथ ही साथ दुर्गा पूजा में ढोल भी उन्होंने जमकर बजाया। बजाते हुए नुसरत जहां नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, वहां पर लोगों के साथ नृत्य करते हुए भी ये नजर आ रही हैं। अपने पति के साथ पहुंची थी वो कोलकाता में नवरात्रि कार्यक्रम हिस्सा लेने के लिए और इस दौरान उन्होंने वहां न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि वहां पर ढोल भी बजाया और लोगों के साथ डांस करते हुए भी नजर आए। उधर गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि के मौके पर 30,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ आरती की, जहां इन लोगों ने महात्मा गांधी की आकृति बनाई। बापू की 150वीं जयंती पर उनको याद करने का ये गांधीनगर के लोगों का एकदम अनोखा तरीका था। तो गांधीनगर की तस्वीरें नवरात्रि के मौके पर, यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ आरती की और ख़ास यहाँ पर ये रहा क्योंकि बापू को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने की भी कोशिश की गई। 150वीं जयंती पर उनको याद करते हुए गांधीनगर के जो लोग हैं उन्होंने एकदम अनोखा तरीका अपनाया। उधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुल से गुजरने के दौरान एक कार नदी में जा गिरी। पुल पर रेलिंग नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ और पति पत्नी नदी में डूब गए, जिनका अब तक कोई पता नहीं लगा है, लेकिन आसपास के लोगों ने कार सवार एक युवक को बचा लिया। जानकारी के मुताबिक ये लोग पुष्कर से इंदौर की तरफ जा रहे थे। मध्य प्रदेश में यह हादसा हुआ है, पुल से गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ, एक कार जो है वो नदी में जा गिरी। पुल पर दरअसल रेलिंग नहीं थी जिसकी वजह से कहा जा रहा है यह हादसा हुआ है। जो पति पत्नी इस कार में सवार थे वो नदी में डूब गए हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। हालांकि उनको ढूंढने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन आसपास के लोगों ने कार सवार एक युवक को बचा लिया है। उधर तेलंगाना के खम्मन में बर्खास्त रोडवेज के कर्मचारियों ने मेयर की गाड़ी को घेर लिया और सीएम के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। कल तेलंगाना के सीएम ने हड़ताल पर चल रहे 50,000 सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद विभाग में सिर्फ 1200 कर्मचारी बचे हैं और अब प्रदेश भर में बर्खास्त कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना में बर्खास्त जो रोडवेज कर्मचारी हैं, जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, दरअसल वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर वहां पर पहुंचे थे, उनकी गाड़ी को भी उन्होंने घेर लिया और साथ ही साथ सीएम के चंद्रशेखर राव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कल तेलंगाना के सीएम ने हड़ताल पर चल रहे जो 50,000 सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी थे उनको बर्खास्त कर दिया था।
उधर राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच राजनीति भी तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाले बयान का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समर्थन किया। केशव प्रसाद मौर्य ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। निश्चित तौर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका संकेत तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है। 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो रही है और उसके अगले महीने श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से संबंधित फैसला आने वाला है। इसलिए अब रामलला का भव्य मंदिर जो हर राम भक्त की प्रतीक्षा है वो समाप्त होने वाली है, ऐसी हम आशा करते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने राम मंदिर पर हो रही सुनवाई पर इशारों में कहा था कि राम की शक्ति से आने वाले दिनों में खुशखबरी सुनने को मिलेगी। विश्वास व्यक्त करता हूं कि गोरखपुर के श्रद्धालु जन पूरी मर्यादा के साथ पूरे अनुशासन के साथ भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं से प्रेरणा प्राप्त करके न केवल अपने जीवन के लिए अपितु सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी अपना योगदान देंगे। हम सब का विश्वास है कि भगवान राम की इसी शक्ति ने मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी भी सुनने को प्राप्त होगी। अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले ही कार्तिवपुरम में पत्थर तराशने का काम तेज हो गया है। बताया गया कि एक फ्लोर के पत्थरों को तराशने के काम को पूरा कर लिया गया है। राम मंदिर के पत्थरों को तराशने का काम पिछले 2 दशक से चल रहा है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि राम मंदिर के लिए अच्छा फैसला आएगा। सत्रह अक्टूबर एक ऐसी तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है जिस दिन तक सभी पक्षों को अपनी सुनवाई पूरी कर लेनी है, यानी अपना सारा साक्ष्य और सबूत अदालत को दे देना है। उसके बाद अदालत राम जन्मभूमि को लेकर फैसला करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्तिवपुरम एक ऐसा स्थान जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर पत्थर तराशे जाते हैं। हमारे बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पत्थर तराशने का काम पिछले 2 दशकों से चल रहा है। और आचार्य सत्येंद्र दास से जब अभी बात हुई हमारी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 26 वर्षों से ये काम चल रहा है। वो लगातार राम जन्मभूमि में भगवान राम की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें इस बात का इंतजार है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। फिलहाल जो पत्थर तराशने का काम है वो यहाँ पर पिछले 2 दशकों से किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं बाएं तरफ पिलर गुंबद जो उसकी डिजाइनें हैं वो यहाँ पर तैयार कर ली गई हैं और एक एक पत्थर को तराशने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। उसमें जो डिजाइन नक्काशी की गई है बाकायदा, क्योंकि अब 17 अक्टूबर के बाद और 17 नवंबर के बीच में जो मसला है, जो विवादित मसला है सुप्रीम कोर्ट में, वह उस पर फैसला लिखा जाना है। लिहाजा अयोध्या में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि राम मंदिर को लेकर एक खुशखबरी आने वाली है, उसका समर्थन केशव प्रसाद मौर्य ने किया। और साध्वी रितंभरा ने भी ये कह दिया कि अमर अकबर हो या एंथनी, सबके पूर्वज राम है। यानी आने वाले 2 महीने धर्मनगरी अयोध्या में सुर्खियों में रहने वाले हैं, क्योंकि मसला राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है और 17 अक्टूबर के बाद अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल अयोध्या में सियासत तो होती ही होती है, विकास की बात होती है, लेकिन अब राम मंदिर की बात हो रही है। और राम मंदिर को लेकर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि खुशखबरी जल्द आने वाली है, जो मुख्य पुजारी है आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने कहा कि हमें भी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि फैसला स्वामित्व को लेकर है और जो खुदाई हुआ, जो साक्ष्य मिले वो हमारे पक्ष में। लिहाजा आने वाले 2 महीने अयोध्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, देश दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल पत्थर तराशने का काम तेजी से जारी है। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। वही राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। हमारे साथ राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज जी हैं। महाराज जी क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो 26 वर्षों से 6 दिसंबर 1992 से रामलला टाटपट्टी में है और तब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि किस दिन हमारे प्रभु राम इस त्रिपाल से हट करके और भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे, विराजमान होंगे। 26 साल हमको प्रतीक्षा करते करते बीत चुका है, अब 27वां वर्ष चल रहा है। 6 दिसंबर 2019 को 27 वर्ष हो जाएगा रामलला को तारपट्टी में रहते हुए।
तो मैं तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कोर्ट के लिए, क्योंकि कोई भी दूसरा रास्ता नहीं रह गया, केवल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर है कि वो किस प्रकार के यह आदेश देता है और किस प्रकार के आदेश से और इसकी समस्या समाधान होगी। हर व्यक्तियों को अपने पक्ष के अनुसार अपना आशा होती है और यही रहता है कि जो कुछ निर्णय होगा वो हमारे पक्ष में होगा। पर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उन्हें मान्य होगा। जो मुस्लिम पक्षकार है इकबाल अंसारी हमारे साथ मौजूद है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा राम मंदिर पर खुशखबरी आने वाली है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी साधु संत हैं, मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या आते हैं तो कोई ना कोई तोहफा दे ही जाते हैं। अयोध्या को बड़ा किया योगी आदित्यनाथ जी ने, अयोध्या में राम पैड़ी की जो है शुरुआत किया तो जो है योगी आदित्यनाथ जी ने, अयोध्या पासो मनाया तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, तो अयोध्या में खुशखबरी बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, साधु संत हैं, अयोध्या धार्मिक नगरी है। अगर कोई खुशखबरी आती है तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो जो है सहमत हैं कि अयोध्या का विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, अयोध्या के लोग खुश रहे। अगर मुख्यमंत्री योगी जी के होते हुए अयोध्या का विकास हो जाएगा, बहुत से काम जो है अयोध्या में बाकी है। वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की खुशखबरी आने वाली है, मसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, 17 अक्टूबर तक सभी को अपना पक्ष रखना है। देखिए सवाल यहाँ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है और को जो है कोर्ट के जो मसले कोर्ट में है वो कोर्ट जाने, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी जो है योगी जी मुख्यमंत्री हैं, साधु संत हैं, अयोध्या में बहुत चीज की जरूरत है उसको वो दे रहे हैं। और लोग यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अब जल्द ही राम मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, फैसला सबको उम्मीद है कि उनके पक्ष में आएगा। देखिए अब जो है जितने भी नेता हैं अपनी अपनी बात कहने का हक है, लोग अपनी अपनी बात कहते रहेंगे, जो कुछ सरकार को करना वो कोर्ट अपना काम करेगा। हम लोग तो साफ कहते हैं जो भी फैसला आएगा कोर्ट उसको हम मानेंगे। वही तपस्वी छापनी के महंत परमहंस दास ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जताई। परमहंस दास पिछले काफी दिनों से आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। एक ऐसे संत जो लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, तपस्वी छावनी के परमहंस जी, जो इस वक्त आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? अब 17 अक्टूबर की तारीख भी नजदीक है और आप अनशन पर भी हैं। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से इस बार जो है हम लोगों को लग रहा है कि ये लंबे काल से जो विवाद चला रहा था वो विवाद खत्म हो जाएगा और निश्चित रूप से रामलला को न्याय मिलेगा। और एक अभी जो है एक निजी चैनल के एक मुझे हेस्टिंग ऑपरेशन के द्वारा एक वीडियो मिली है जिसमें साफ रूप से इकबाल अंसारी और हाजी महबूब कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद भी हाजी महबूब कह रहे हैं कि मेरे जीते जी वहाँ एक ईंट कोई नहीं रख सकता है, इसीलिए मैं यहाँ आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। हमने कहा कि इनको FIR कराने के लिए गए तो मुझे एक महीने से झुलाया जा रहा है, तो हमने कहा जब तक FIR नहीं होगी तब तक मैं बैठूंगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत को चैलेंज करना इसका मतलब है कि आप एक तरफ से वहाँ जो है तो आपके वहाँ अधिवक्ता वहाँ दलील पेश कर, मंदिर बनकर रहेगा आपको लगता है? बिल्कुल, अब इसमें कोई भी वो कोर कसर नहीं है, राम मंदिर के लिए सारे रास्ता साफ हो गए हैं। और जो लोग एक जो है तो जो एक आक्रांता के नाम पर लड़ रहे थे उनकी नियत भी सामने आ चुकी है, तो निश्चित रूप से अब रामलला की विजय हुई है, भारतीय संस्कृति की जो है पुनः प्रतिष्ठा होने जा रही है। सद्भावना प्रेम बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, देश में पूरा हिंदू मोहम्मदन इतना प्रेम से सबको नींद आ रही है तो उससे इतना विश्वास बन ही चुका है कि हाँ काम हो जाएगा। लेकिन राम मंदिर पर बयानबाजी को लेकर ऐतराज जताते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया। जब ये पूरा तय हो चुका है कि जो अदालत फैसला करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो गवर्नमेंट भी मानेगी, मुसलमान भी मानेंगे, तो अब बयानबाजी से कोई फायदा नहीं है, तो उससे माहौल खराब हम होगा। और जब मुसलमान कह चुके जो भी हमारे फेवर में फैसला हुआ या हमारे अगेंस्ट फैसला हुआ हम मानेंगे, उसको अगेंस्ट भी हुआ तो मानेंगे, तो इस पर खाम खा पे भड़काऊ भाषा और भड़काऊ बयान देने से फायदा क्या भाई? उधर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। अब इस मामले पर 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा भी मांगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने कहा कि आर्य कॉलोनी में आगे पेड़ नहीं कटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरी है। कोर्ट को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से और मेट्रो की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया कि जो ट्री कटिंग का काम था, जो पेड़ गिराने का काम था, वो एक्चुअल में हो चुका है, इसलिए उल्टा
ऐसा कहा गया कि अभी फर्दर कटिंग ऑफ ट्रीज की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, स्टेटस को विद रिगार्ड टू कटिंग ऑफ ट्रीज दिया है, क्योंकि अभी कुछ करना है ही नहीं। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को फॉरेस्ट बेंच के सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल साहब का बयान रिकॉर्ड पे ले लिया है कि जो पेड़ काटने थे अब तक कट गए हैं और आगे और कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो पेड़ कटे हैं उसके क्लियरिंग के बहाने और कुछ नए पेड़ ना कटे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगले सुनवाई तक जो यथास्थिति है वही बनी रहे। उधर शिवसेना की नेता मनीषा कायंदे ने मुंबई के आर्य कॉलोनी में पेड़ काटने पर रोक को प्रदर्शनकारियों की जीत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण बेंच पर फैसला आने तक सारी चीजें उसी तरीके से रखने की हिदायत दी है। हमारे साथ यहाँ पर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे हैं। मनीषा जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट बेंच का फैसला आने तक सब कुछ वैसे ही रखें, उसमें किसी भी तरीके की पेड़ कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ये सारे पर्यावरणवादियों के लिए एक नैतिक जीत है और सरकार की ये नैतिक हार है, क्योंकि स्टेटस को मेंटेन किया है। सबसे बड़ी बात, एक भी पेड़ इसके आगे काटा नहीं जाएगा और इसको एनवायरनमेंट बेंच के सामने अब सुनवाई होगी। और सरकार की एक तरफ ये जो प्रशासकीय अधिकारी है उनकी भी ये हार है, क्योंकि ये एक तरह से कोर्ट ने कहा है कि इसको आपने फॉरेस्ट करके क्यों क्लासिफाई नहीं किया तो इसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा गया है, और आगे इसका क्या स्टेटस होगा ये पर्यावरण का जो बेंच है वो तय करेगा। और हम कई कुछ हद तक इस फैसले से हम समाधान मानते हैं, और ये शिवसेना की जीत तो है ही, क्योंकि हमने इसके लिए लड़ाई की है, मगर इससे बड़ी जीत है जो पर्यावरणवादी है, जो उस दिन अरेस्ट हुए, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला, जिस प्रकार के से सरकार ने ज्यादती दिखाई, पुलिस ने ज्यादती दिखाई।